नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बड़ी इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फतेहपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन में केंद्र और राज्य सरकारों के सरकारी विभागों द्वारा लगातार बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई जा रही है। सरकारी विभागों के काउंटरों से तिरंगा झंडा की बिक्री की जा रही है, जहां आम जनता भी इस अभियान से जुड़कर बढ़ चढ़कर तिरंगा झंडे की खरीदारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस प्रांगण में सेल्फी पॉइंट भी बनवाया गया है, जहां मौजूद लोग तिरंगा झंडा लेकर सेल्फी पॉइंट में फोटो खींच रहे हैं। ये 1 अगस्त से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना था, 1 अगस्त से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना था, और आज की डेट पे हमारे पास 108 तिरंगे बिक चुके हैं और इसको हम पोस्टमैन के माध्यम से डोर टू डोर भी इसकी व्यवस्था करवा रहे हैं। लोगों में कैसा जागरूकता देखी जा रही है? जागरूकता तो देखने में ठीक है, लोगों की लोग डिमांड भी कर रहे हैं, उनसे पूछ भी रहे हैं और बिक्री भी हमारी चल रही है। लोगों में उत्साह है? लोगों में उत्साह। खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत में एक आतिशबाज के घर अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि जिसके बाद पूरा घर जलकर खाक हो गया। वहीं घर में 5 लोग मौजूद थे, जिसमें 2 लोग भागने में कामयाब रहे, लेकिन 3 लड़कियां फंस गईं, जो झुलस गई हैं। बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वो अपने घर में जो बनाया हुआ मैन्युफैक्चर पटाखा रखा हुआ था, जो स्काई शॉट्स बोलते हैं, उसको 20 से 25 पेटी अपने घर पे स्टोर किया हुआ था। किसी वजह से उसमें आग लगी और इसमें उसके वजह से जो एक्सप्लोशन हुआ है और उनके घर ऑलमोस्ट क्षतिग्रस्त हो गया, उसमें 3 लोग फंसे थे। पब्लिक की मदद से पुलिस ने तीनों जो उनकी बेटियों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेज दिया है। बाकी इंक्वायरी प्रथम दृष्टया ये सामने तथ्य आया है कि असीम भाई 2025 तक पटाखा बनाने का लाइसेंस प्राप्त किए हुए हैं, जो कि अभी वेरीफाई करना शेष है। उनका कहना है कि अपने 2025 तक लाइसेंस और उनका गोदाम इसी रिचा रोड पे हैं और वहाँ पे स्टोर करते हैं अपने पटाखा, वहाँ मैन्युफैक्चर करके वहीं स्टोर करते हैं और यहाँ पर बेचने के लिए 20 से 25 पेटियाँ अपने घर पर रखे हुए हैं। तो इसके आगे हम लोग जो टेपिंग करा के अपने फॉरेंसिक टीम्स के साथ जो आग की वजह पता कर रहे हैं, बाकी अन्य जो पहलू पे भी जानकारी। सर, अगली खबर बस्ती से है। बस्ती के गौर थाना के बढ़नी गांव में दिव्यांग की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद पूरे इलाके में घटना को लेकर सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक दिव्यांग 5 साल से चने की दुकान लगाता था। सुबह जब घर वाली दुकान पर पहुंचे तो शव देखकर सन्न रह गए। दिव्यांग के सर पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये थाना गौर के ग्राम बढ़नी में प्रातःकाल सूचना मिली कि यहाँ के रहने वाले रामचंद्र पुत्र दधीराम, जो 45 वर्षीय थे और एक दुकान चलाते थे, इनकी किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मौके पर फौरन सभी उच्च अधिकारी और थाने की पुलिस पहुंची। यहाँ प्रामाणिक देख के लग रहा है कि उनके गर्दन और कान के पास में किसी धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में उनके पुत्र से तहरीर ली गई है। उन्होंने एक अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है, जिसमें 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। यहाँ हमारी सभी टीमें मौजूद हैं। शीघ्र ही हम इस घटना का अनावरण करके जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको जेल भेजेंगे। खबर हरदोई से है। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। मामले की सूचना पाकर मौके पर COCT पुलिस बल के साथ पहुंचे। COCT ने बताया कि जांच कर मामले में कार्रवाई की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हाथरस के जिला अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां अस्पताल से शव वाहन नहीं मिलने पर पति ने पत्नी के शव को कंधे पर लेकर अस्पताल से बाहर निकला। पीड़ित पति ने प्राइवेट एम्बुलेंस को किराए पर लेकर शव ले जाने को मजबूर हुआ। जिला अस्पताल परिसर में शव वाहन खड़ा रहा, लेकिन महिला के शव के लिए नहीं मिला। ये पूरा मामला बागला जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। अगली खबर श्रावस्ती से है। श्रावस्ती में सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा फेल होता नजर आ रहा है।
जहां मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में डॉक्टरों के इलाज करने का वीडियो सामने आया है। दरअसल सड़क दुर्घटना में अस्पताल पहुंचे घायलों का इलाज मोबाइल की चार्ज की रोशनी में करने का वीडियो आया है। ये पूरा मामला गिलौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। हुआ है हाँ, दूसरा को हमको पता नहीं कहाँ के हैं, घायल हुआ है, घायल भी ज़्यादा हो गया वो। वैसे यहाँ पहुँचे तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ व्यवस्था ठीक था? व्यवस्था ठीक नहीं थी, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था कुछ नहीं है। मरीज का मोबाइल के चार्ज में हाँ चार्ज जला करके मरीज का जो है इलाज चल रहा है। जब यहाँ पहुँचे तो क्या आप लोग, आपने क्या देखा? यहाँ हमने देखा जो है बिल्कुल अंधेरा की, बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ था पूरा अस्पताल। उसके बाद में कुछ देर बाद में जनरेटर की जलाए हुए चलाए उसको जनरेटर, तब उजाला आया उसमें। खबर अमेठी से है। अमेठी में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां प्रशासन ने अभियुक्त मोहम्मद मोविन के खिलाफ गैंगस्टर और गोकशी सहित कई मामलों में केस दर्ज किया है। बता दें कि प्रशासन ने अपराध से कमाई गई संपत्ति को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कुर्क कर लिया। ये पूरा मामला जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के गौहरपुरवा का बताया जा रहा है। खबर उत्तरकाशी से है। उत्तरकाशी के नेलांग घाटी मार्ग पर पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर और भूस्खलन आने से आर्मी के 3 जवान फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जिसके बाद एक जवान को आर्मी हेलीकॉप्टर और पायलट की सूझबूझ के साथ रेस्क्यू कर लिया गया है। फिलहाल अभी भी रेस्क्यू अभियान जारी है। ऋषिकेश में प्रतिबंधित पॉलीथीन का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। नगर निगम की टीम ने प्रतिबंधित पॉलीथीन के साथ कई दुकानदारों को पकड़ा है, जिनके खिलाफ नगर निगम की टीम ने चालान काट जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई की है। वहीं सफाई निरीक्षक सुभाष सेमवाल ने बताया कि प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।